हेलो एवरीवन, हम आज आपके लिए अनलॉक टूल में न्यू अपडेटिंग आया है, उसके बारे में बताएंगे। उसमें क्या खास आया है, तो प्लीज़ न्यू नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लें। तो रोज ना रोज अनलॉक टूल का कोई ना कोई अपडेटिंग आता रहता है कि आज हम दिखाएंगे आपके लिए उसमें कोई खास क्या अपडेटिंग है। सीधे हम आपको अनलॉक टूल की साइट पर लेके चलेंगे, तो वहाँ से हम आपके लिए जीएसएम फॉर्म पे दिखाएंगे। अब अनलॉक टूल की साइट पे भी देख सकते हो सीधा। अनलॉक टूल की साइट पे भी जाकर देख सकते हो। उन्होंने मेंशन किया ये कल आया था, ये 4 तारीख में अपडेटिंग, लेकिन आज 5 तारीख में वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। तो इन्होंने जो दिया है नया, तो अब इसमें आपको खास क्या मिलेगा, तो इसमें आपको खास मिलेगा अनलॉक टूल ने रिलीज किया है ये आपका 4/7/2023 को MI स्पेशल अपडेटिंग रिलीज इन्होंने क्या किया। इसमें ऐड द अनलॉक बूट लोडर 14, यानी कि आपका जो 14 वर्जन है उसका बूट लोडर आप अनलॉक कर सकते हो। ऐड द MI अकाउंट नो रीलॉक, यानी कि आप MI अकाउंट को अनलॉक करते हैं और वो रीलॉक हो जाता है, वो नहीं होगा, वो कर सकते हो। ऐड द डिसेबल OTA अपडेट, यानी कि इसका 14 का डिसेबल OTA अपडेट भी कर सकते हो, USB डबिंग ऑन करके डिसेबल OTA कि आगे से अपडेट नहीं होगा। तो इन्होंने इसमें 3 मॉडल मेंशन किए हैं, 11T, नॉट 11, नॉट 11T5Z और आपका नॉट 11 5G, ये मॉडल मेंशन किए। खास जो मुझे इसमें नजर आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग का A03S, SM, A037F, A037FM, इरेज FRP प्रीलोडर। तो आप सीधा वॉल्यूम अप डाउन प्रेस कर इसको आप कनेक्ट करो, FRP निकल जाएगी, नो झंझट। तो अभी टेस्ट तो मैंने ये नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास कोई फ़ोन हो A3S उसको टेस्ट करो, प्लीज़ चेक करो कि जो अनलॉक टूल वाला मेंशन कर रखा है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। वॉल्यूम अप डाउन की दबा कर आप सीधा अनलॉक टूल से FRP निकाल कर दे, उसमें आपको मॉडल सेलेक्ट करो, सीधा FRP सेलेक्ट करो और वॉल्यूम अप डाउन दबाओ, केबल लगाओ। ये कुछ खास है उसमें दिखा रखा है, इसके काफ़ी मैसेज आते हैं A03S के लिए। तो इन लोगों ने और क्या दिखा रखा है इसमें, मैम तो यही है सैमसंग और MI के लिए, दो ही अपडेटिंग थी इसमें, यही इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करने के लिए अनलॉक टूल को मेगास कर सकते हो, आप लिंक डिवाइस से कर सकते हो या गूगल क्रोम से डायरेक्ट, और ये तो आपको शायद सारा कुछ पता ही होगा डाउनलोड करने का तरीका, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट ना करें। तो आप ओनली सैमसंग का FRP के लिए ही इन्होंने मैन पर्पज पे मैंने ये वीडियो बनाई थी A03S के लिए। इन्होंने यहाँ दिखा रहा है एड सैमसंग गैलेक्सी A03S, SM, A037, A037M, इरेज FRP इन द प्रीलोडर मोड, इसको प्लीज चेक करो। मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं है, मैं भी कर लेता, लेकिन आपके पास अगर फ़ोन है तो कोई अनलॉक टूल पर सीधा वॉल्यूम अप डाउन दबा कर केबल लगाओ, और अगर कनेक्ट नहीं होता है तो एक बार वॉल्यूम अप से और देख लेना, ट्राई कर एक बार डाउन से ट्राई करके देख लेना, वॉल्यूम अप डाउन से दोनों से अलग अलग भी ट्राई करके देख लेना होगा या नहीं होगा। और इन्होंने ऐड किया है A20S FRP EDL मोड, ये भी इन्होंने किया है। तो थैंक यू दोस्तों, यही पर्पज था वीडियो बनाने के लिए, ये इंफॉर्मेशन देनी थी आपके अनलॉक टूल का नया अपडेट है। रोज ना रोज इसका कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, टूल वही अच्छा होता है जिसका एक दो दिन बाद अपडेटिंग आती रहती है, यानी कि वो अपने टाइम के साथ चलती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।